Move your body, feel the flow, do your moves, let it show. Feel the rhythm, take control. Groove the beat, hit and go. Move your body. हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका डिजिटल में। आशा करो सबसे बढ़िया होंगे। मैं फिर नई और इंटरेस्टिंग में, तो आज की वीडियो बहुत खास हो जैसा तो देख ले। तो आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ वन एंड ओनली KTM RC 200 मोटो जीपी एडिशन, जो कि नए कलर नए वेरिएंट्स में अभी तीन कलर 2024 में आ चुके हैं। और अगर आप 2024 में कंफ्यूज हैं कि R15 V4 में जाया जाए या फिर KTM RC 200 में, तो सबसे पहले मैं आपको प्राइस बता देता हूं। तो अगर आप R15 V4 में जाते हैं, तो अभी गुजरात के वापी में, अगर मैं वीडियो बना रहा हूं, तो स्पेशल थैंक देना चाहूंगा KTM वापी, जो कि अपने गुजरात के वापी में है। और किसी भी बाइक के रिलेटेड में KTM की हस्कवरना की आप यहाँ पे कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों ही मिल जाएगा। और बाकी इसकी प्राइस की हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे पड़ जाती है एक शोरूम आपको 2,16,000। और अगर R15 V4 में जाना चाह रहे हो तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा 2,02,000, जो कि ऑन रोड से स्टार्टिंग होती है, और 2,35,000 इसकी उसकी ऑन रोड जाती है। तो सबसे पहले बात कर रहे थे KTM RC 200 2024 में क्यों आपको लेनी चाहिए। अगर आप यंग जनरेशन के हिसाब से देख रहे हैं और आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि मुड़ मुड़ के लोग देखें, प्राइस सेगमेंट में भी आपको अच्छा रहे, माइलेज के लिए भी कभी नाराज ना करे, तो उसके हिसाब से KTM RC 200 बेस्ट रह सकती है क्या 2024 में, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो फ्रंट में आपको सबसे पहले वही डिजाइन वही लुक्स देखने मिल जाता है। अभी आपको 2024 में दो कलर नए ऐड हुए हैं, इसमें आपको जो 2023 के हिसाब से जो ऐड किया गया था वो चेसिस को लेकर के था कि डबल चेसिस इसमें आ जाती है। पहले जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था लोगों को इसके चेसिस को लेकर के, कि जब टूट जाती थी तो पूरा ही चेसिस को चेंज करना पड़ता था, लेकिन अब वो सिस्टम जा चुका है और 2023 में ही ये वाला अपडेट आ चुका था। बाकी आपको प्राइस, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंजन डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिख मिल जाता है 199.56 के साथ में इंजन, सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन के साथ में आ जाता है। मैक्सिमम पावर की बात करो 25.8 PS की पावर जनरेट करता है। और मैक्सिमम टॉर्क की बात करो तो 19.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 7000 RPM पर। और बाकी ब्रेक आपको फ्रंट और रियर में दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक देखने मिल जाता है, ड्यूल चैनल ABS के साथ में आ जाता है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करूं तो 13.7 लीटर की टैंक देखने मिल जाती है आपको। और यहाँ पे इंडिकेटर्स की बात करूं तो आपको LMD में ही इंडिकेटर्स देखने मिल जाता है, इसी के नीचे आपको DLs भी देखने मिल जाता है। बाकी आगे में जो ब्लैक कलर का दिया गया है इसमें फेयरिंग और इसमें ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता था पहले। सबसे पहले जब इसको 2023 में लॉन्च किया गया था 2022 के लास्ट में, तो इसको बहुत से लोग पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में जब कंपनी इसे ही देने लगी तो बहुत से लोगों ने इसके ऊपर ही सेक्रीफाइस किया। और बाकी इसके ऊपर ही अभी कुछ लोगों को पसंद आता है, अभी कुछ लोगों को नहीं आता है। लेकिन अगर मोटो जीपी एडिशन की बात करूँ तो ये कलर थोड़ा सा अट्रैक्टिव कलर्स लग जाते हैं। अगर 2024 में बात करूँ तो दो कलर्स और इसमें ऐड हुए हैं, ब्लू कलर और ब्लैक कलर। अब उसमें भी आप देखने जाओगे तो उसमें भी ये सेम इंजन के साथ में आ ही जाती है, तो उसमें आपको सिर्फ कलर्स का ही फर्क देखने को मिल जाता है। और उसमें प्राइस की बात करूँ तो 3000 से लेकर के 5000 का डिफरेंसेस ऑल कलर्स के अंदर में देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें ऑरेंज और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है, और उसी के नीचे लिखा हुआ है व्हाइट कलर में, इसमें स्टिकरिंग किया गया है रेडी टू रेस करके, और पावर्ड बाई एकरा पोविक, वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव तो लग ही जाता है। अब इसके इंजन डिस्प्लेसमेंट की हमने बात कर ही ली है, तो इसके सामने टायर्स और सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, इंजन चेसिस के बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको सैडल हाइट 824 mm के साथ में आ जाता है। ग्राउंड क्लीयरेंस इसकी आपको 158 mm देखने मिल जाती है। ड्राई कर वेट जो है इसकी 151 kg की देखने मिल जाती है। आपको LED में फुली डिजिटल कंसोल देखने मिल जाता है, LED इंडिकेटर्स देखने मिल जाते हैं। और बाकी इसमें आपको फ्रंट ब्रेक की बात करूँ तो 320 mm की फ्रंट ब्रेक देखने मिल जाती है, रेडियल टायर्स के देखने मिल जाते हैं। 230 mm के इसमें आपको देखने मिल जाते हैं रियर ब्रेक, और पीक पावर 25.8
RPS की पावर जनरेट कर देता है। मैनुअल सस्पेंशन 6 स्पीड के साथ में आ जाते हैं। फ्रंट में आपको WP Apex सस्पेंशन देखने मिल जाते हैं और सस्पेंशन रियर में आपको देखने मिल जाते हैं WP Apex के ही पोनोसोक एब्जॉर्बर सस्पेंशन। और फ्रंट में आपको 110 70 17 इंच के अलॉय के साथ में आ जाते हैं। रियर की बात करूं तो 150 60 17 इंच के अलॉय के साथ में आ जाते हैं। फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको जो व्हील साइज है 431.8 mm का ही देखने मिल जाता है, दोनों सेम आपको देखने मिल जाता है। बाकी इसकी आगे की वाइजर है ब्लैक में कॉम्बिनेशन थोड़ा सा और भी अच्छा लगता है और LED में देखने मिल जाता है जो कि RC 200, इसको RC 390 अगर बात करूं तो दोनों में ही आपको सिमिलर लुक्स देखने को मिल जाते हैं। अगर इंजन के हिसाब से देख ली जाए तो 2024 में आपको ये बिल्कुल ही, आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आप बिल्कुल ही इसके ऊपर में जा सकते हैं, या फिर आपको सिटी में ज़्यादा नहीं घूमना रहता, हाईवे में ज़्यादा घूमना रहता तो आप इसके ऊपर बिल्कुल, अगर आपको लॉन्ग राइड करनी है तो भी आपको थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ सकता है शुरू में। बाकी अगर आप इंजन के हिसाब से देखना जाओगे, अगर आपको भागने भगाने वाली गाड़ी है चाहिए, आपको शौकीन हो तो आप बिल्कुल भी जा सकते हो। बाकी इसमें माइलेज की बात करूँ तो कंपनी क्लेम कर देती है इसमें 32 to 38 KMPL के माइलेज, लेकिन आप आराम से अगर अच्छे कंडीशन में चलाते हो तो 35 KMPL की माइलेज इसमें अचीव कर सकते हो। अब यहीं पे 2024 की बात करूँ तो सभी गाड़ियों के दाम जनवरी में ही बढ़ चुके थे, फरवरी मार्च में अभी तक में तीन महीना जा चुका है। और इसमें अभी KTM की बात करूँ तो KTM RC 125 से लेकर के RC 390 तक में आपको देखने मिल जाएगा। और प्राइस डिफरेंसेस की बात करूँ तो सभी प्राइजेस बढ़ चुके हैं, 5000 से लेकर के 15000 का डिफरेंस सभी गाड़ियों पर आया है। तो अगर आप जानना चाहते हो अपने स्टेट के प्राइस के हिसाब से, अगर आपको किसी भी बाइक के रिलेटेड में जानना है आपको KTM के, तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और बाकी स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा KTM वापी जो कि अपने गुजरात के वापी में है। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई होप कि मैंने सारा चीज़ कवर कर लिया हो, आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करना। और भी जो नए कलर्स आने वाले हैं उसके ऊपर भी वीडियोज़ बहुत जल्दी करके आऊँगा। तो बाकी मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, और मुझसे कुछ छूट गया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बाकी मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। स्टेडियम जिन जय भारत।